विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रता। यूनिवर्सिटी ऐसी ज्वाइन करें कि घर वालों को फिक्र नहीं, आप पर फक्र हो। जी हाँ, आज जीएनए यूनिवर्सिटी की ये मैं सारी जानकारी हासिल कर रहा था, ये मैं पढ़ रहा था ये अखबार, और ये अखबार पढ़ते हुए मैंने देखा कि यहाँ बच्चों को सिर्फ पढ़ाया ही नहीं जाता है बल्कि बहुमुखी प्रतिभा का धनी बनाया जाता है। जी हाँ, एक यूनिवर्सिटी के अंदर जिस प्रकार बच्चे को समाज के लिए तैयार किया जाता है, वो काम जीएनए यूनिवर्सिटी में प्रॉपर हो रहा है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ के विद्यार्थी हैं। क्या नाम सर आपका? सर मेरा नाम मनप्रीत सिंह बंसल है एंड मैं फगवाड़ा से हूँ एंड जहाँ पे मैंने एमबीए करना हूँ, अभी कोर्स ज्वाइन किया है एंड मेरा फर्स्ट सेमेस्टर कम्प्लीट होने वाला है। मनप्रीत, तो आप एमबीए कर रहे हैं, तो फिर आपने जीएनए यूनिवर्सिटी क्यों मतलब चूज़ किया? आपको क्या लगा कि आपने जीएनए में ही पढ़ना है, ऐसा क्यों? मेरा एक तो ये मेरे घर के पास है और इंटरेस्ट भी था कि एचआर करनी है मार्केटिंग के साथ, वो भी एमबीए करके, तो इसलिए जीएनए बेस्ट ऑप्शन है इस एरिया में। और जो नौजवान हैं वो क्यों ज्वाइन करें जीएनए को? यहाँ पे अभी न्यू कोर्सेज भी अवेलेबल करवा रहे हैं, जैसे कि डेटा साइंस हो गया एंड उसके साथ एचआर मार्केटिंग एंड फाइनेंस भी है एमबीए में एंड बाकी स्ट्रीम्स में भी और ज़्यादा कोर्सेज इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। और कौन कौन से कोर्स आपके यूनिवर्सिटी में होते हैं? अभी तो बेसिकली सारे कोर्स अभी अवेलेबल होने वाले हैं इस सेमेस्टर के बाद एंड यहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी जाती है, जैसे कि इवेंट्स वगैरह भी बच्चों से करवाते हैं, उसमें भी एक्सपोजर बढ़ता है। जैसे हमारा एमबीए था तो हमें कॉमेडी शो करवाने के लिए बोला गया था। अच्छा, तो उस कॉमेडी शो में क्या कुछ एक्सपीरियंस बिल्ड किया आपने? उसमें इन्होंने सब कुछ हमें ही दे दिया था कि फाइनेंस वगैरह भी खुद संभालना है, पूरी टीम बनानी है, कैसे करना है एंड टिकट सेलिंग मार्केटिंग भी उसमें इंक्लूडेड थी एंड वो जो कॉमेडियन थे उनको भी हमने कॉन्टैक्ट किया था, खुद कॉन्टैक्ट करके उनको यहाँ पर लेके आए, यहाँ पर सब कुछ उन टिकट्स वगैरह सेल करके उसमें से ही सारा निकाला खर्चा वगैरह एंड उसके बाद मोमेंटो वगैरह वो भी उनमें से किए, मतलब सब कुछ यहाँ पर। मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं, प्रैक्टिकली नॉलेज भी आपको यहाँ मिल रहा है। यस सर, कि पूरी तरह से आपने मेंटली प्रिपेयर कैसे होना है। एमबीए के छात्रों को सबसे ज़्यादा स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है, सबसे ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ता है, तो उन सब चीज़ों के लिए आपको प्रिपेयर किए जा रहे हैं। यस सर, हमें सब कुछ प्रिपेयर कर रहे हैं, इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, सॉफ्ट स्किल्स का भी दे रहे हैं यहाँ पर। हाँ। अच्छा, और जो यहाँ प्रोफेसर हैं जो आपको पढ़ाते हैं, उनके साथ तालमेल कैसा होता है? कितना डांटते हैं, कितना डपटते हैं आपको, कितनी चीज़ें आपको प्यार से वो समझाते हैं? नहीं नहीं, डांटते तो है नहीं, वो ऐसा है कि ये विजुअल लर्निंग का तरीका है यहाँ पर, कि प्रोजेक्टर के थ्रू प्रेजेंटेशंस एंड वीडियोस वगैरह एंड उसके बाद थोड़ी सी मिनी गेम्स वगैरह भी करवा देते हैं साथ में टॉपिक के रिलेटेड, तो फिर इंटरेस्ट बना रहता है सारा टाइम। और उसके साथ साथ अदर एक्टिविटीज़ में भी पूरी पार्टिसिपेट करते हैं आप? यस सर, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड हो जाता है क्योंकि सब टॉपिक रिलेटेड है हमारे फील्ड के साथ। जो आपको हमें देख रहे हैं उन युवाओं को जो भी स्कूल से निकले हैं, 10वीं करके 12वीं करके निकले हैं, जो यूनिवर्सिटी ज्वाइन करना चाहते हैं, उन्हें आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? सर मैं कहना चाहूँगा कि जीएनए यूनिवर्सिटी यहाँ की बेस्ट यूनिवर्सिटी है, अगर आपको जॉब करनी है तो यहाँ पर अवेलेबिलिटी है, बहुत एक्सपोजर मिलता है और पिछली बार जो यहाँ पर प्लेसमेंट्स वाला हुआ था वहाँ पर भी हमने ऑर्गेनाइज करवाया था, तो एमबीए वालों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि यहाँ पर वो जो है एचआर वगैरह आएंगे कंपनी के तो उनको असिस्ट करना है, तो उनमें भी हमने पार्टिसिपेट किया था एंड जिनके फाइनल सेमेस्टर थे उन्होंने वहाँ पर इंटरव्यूज कंडक्ट किए सब ने, तो जिनकी ड्रीम कंपनीज भी है वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। मतलब ओवरऑल आप सबको यहाँ बुलाना चाहते हैं? यस सर।